Hello students, welcome again in the online classes for quantum mechanics. This is lecture 9 in which we will discuss about Davison-Zarrmann experiment. जैसे हमने last classes में जो discuss किया था about light, about atoms, about matter waves, de Broglie hypothesis. According to de Broglie hypothesis, there are a wavelength associated with every motion of matter, wavelength associated, and every wavelength associated depends upon the momentum. ये clear था? ये किसने बताया आपका? De Broglie ने. In 1924, ये देखो बच्चों, timeline जरूरी है. 1924 में डी ब्रोगली ने बताया देर आर अ वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ मैटर नोन एज द मैटर वेव्स. उससे उसने क्या एक्सप्लेन किया? एटॉमिक स्टेबिलिटी को, बोहर मॉडल को उसने एक्सप्लेन किया, ठीक है. और एक आपके पास एक नया कंसेप्ट आया. अब एक चीज देखो बच्चों, ये जो उन्होंने डी ब्रोगली ने किया था वो अपनी पीएचडी थीसिस के टाइम पे किया था, यानी पीएचडी थीसिस का यही वर्क था. और कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये वर्क था, आपको लगता है टू लाइन का नहीं था, वो तो आपके सिलेबस में नहीं है. जो डी ब्रोगली ने किया था बच्चों, वो तो काफ़ी एक मैथमेटिकल, बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल एनालिसिस था. आपको तो जस्ट एक ब्रीफ आइडिया, क्योंकि आप ग्रेजुएशन में तो एक ब्रीफ आइडिया आपको दिया जाता है कि डी ब्रोगली का क्या रोल था. अब इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि देखो, डी ब्रोगली ने किया 1924 में, लेकिन उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट किया है 1927 में यूएसए में, जो दो फिजिसिस्ट थे बच्चों, डेविसन एंड जर्मर, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया. एक्सपेरिमेंट तो वो अलग कर रहे थे, अब वही हमें आज इसी लेक्चर में वही फील करना है बच्चों कि वो क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और क्या रिजल्ट्स आए. तो उसी के लिए हम एक बार वही करते जिसे नहीं, हमने कितने सारे एक्सपेरिमेंट किए कि हम एग्जैक्ट जो एक्सपेरिमेंट है वो क्यों नहीं वहीं जाके देखते हैं. हम चलते हैं 1927 में और जाके अपनी आंखों से देख लेते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट कैसे कर रहे थे, कैसे वो चीज़ें कर रहे थे और रिजल्ट्स कैसे आए, और उसके बाद क्या इंटरप्रिटेशन हुई, और सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है. यहाँ पे एक चीज देखो बच्चों, एक्सपेरिमेंट कुछ और था, रिजल्ट कुछ अलग आए, लेकिन उसके बाद जो एप्लीकेशंस आई वो तो बहुत जबरदस्त एप्लीकेशंस आई. वो नाम मैं लूंगा और फोटो भी दिखाऊंगा कि इसकी एप्लीकेशन क्या आई. बच्चे तो इसको सिलेबस में एक लाइन डेविसन-जर्मर कि आपने देखा ना फर्स्ट मिनट में कितने सारे एक्सपेरिमेंट हैं, बोला जी एक और एक्सपेरिमेंट है, क्या फर्क पड़ता है, क्वेश्चन तो दो ही आने हैं. नहीं तो इसलिए बच्चों के लिए तो एक क्वेश्चन है, लेकिन हम ये कहते हैं कि एक बार एग्जाम के लिए क्वेश्चन छोड़ दो, लेकिन अभी इस एक्सपेरिमेंट को फील करने की कोशिश करो बच्चों. तो चले एक बार चलते वही 1927 में. आप एक चीज देखो, इस टाइम पे देखो, वैसे जिस टाइम पे लोग इतने सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, फिजिक्स जो है, जो क्लासिकल मैकेनिक्स आपकी क्वांटम मैकेनिक्स हुई, और यहाँ से वो ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स हो गए, एक नई एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स बनी बच्चों, जिसको हम आज क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं. तो उसी टाइम पे ये लोग कोई एक्सपेरिमेंट करता है, कोई थ्योरी करता है, लेकिन इंडिया में क्या सिचुएशन थी, जब ये लोग इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स के लिए लड़ रहे थे, हम उस टाइम पे अपनी, हमें अपनी आज़ादी के लिए लड़ना पड़ रहा था बच्चों, उसी टाइम पे नहीं, लेकिन उसी टाइम पे देखो कितना रिवोल्यूशनरी चेंज यहाँ पे हुआ. तो इसी को फील करने के लिए हम चलते हैं वहीं पे, और अब हम देखते हैं कि वो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर क्या था, उन्होंने किया क्या था. देखो नहीं, हाँ तो देखो बच्चों, अब हम देख पा रहे हैं कि डेविसन-जर्मर कैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. उन्होंने क्या लिया, देखो उन्होंने लिया एक इलेक्ट्रॉन गन, जो ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगी. इलेक्ट्रॉन को कैसे छोड़ेगी, आपको पता है इसके अंदर जो मैंने दिखा रखा है ये हीटर है, जो गर्म जब हम इसको करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं. इलेक्ट्रॉन इमिट होने के बाद ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए, तभी हमने यहाँ पे दे दिया एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेगी. तो यहाँ के बाद आपका इलेक्ट्रॉन का बीम बन के एक्सेलरेट हो जाएगा. तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपका क्या है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर बच्चों? अब इलेक्ट्रॉन्स का बीम जो है वो स्ट्राइक करवाए एक सॉलिड पे. उन्होंने जो सॉलिड ले रखा वो निकिल का क्रिस्टल लिया था. तो निकिल पे वो एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे थे, वो कर रहे थे स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू निकिल क्रिस्टल, यानी स्कैटरिंग कैसे होगी, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, जिस वो स्कैटरिंग को स्टडी कर रहे थे. तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन जो है स्कैटर्ड होके रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगे अलग अलग एंगल्स पे, और यहाँ हम देखेंगे उनको इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर्स की हेल्प से हम डिटेक्ट करेंगे कहाँ पे कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आए. क्लियर? तो देखो सेटअप बस यही था, क्रिस्टल आपका निकिल क्रिस्टल, इलेक्ट्रॉन गन और आपका डिटेक्टर. अब यहाँ हुआ क्या बच्चों, मैंने बताया ना कि एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे स्कैटरिंग के लिए, कि वो स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी करते थे अलग अलग मटेरियल से अलग अलग वोल्टेजेस को, क्योंकि हम यहाँ क्या चेंज कर सकते हैं, वोल्टेज, वोल्टेज चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन में चेंज होगा ही. अब
जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, पूरा जो एक्सपेरिमेंट था, आपको क्या लगता है, ऐसे नहीं, ये पूरा एक्सपेरिमेंट भी वैक्यूम के अंदर था, तो एक्सीडेंटली उनका वैक्यूम लीक हो गया बच्चों। लीक होने की वजह से ऑक्सीजन अंदर गई, तो जो निकल क्रिस्टल है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। समझते हो ना, ऑक्सीडाइज्ड होना क्या होता है कि एक लेयर आ गई यहाँ पे, तो उस लेयर को साफ करने के लिए उन्होंने इस निकल क्रिस्टल को दोबारा से ओवन में बेक्ड किया, नहीं ओवन के अंदर रखा, तो उसमें कुछ ऐसा हुआ, जब उन्होंने ओवन के अंदर रखा और वापस लगाया तो उसके बाद जब उन्होंने रिजल्ट्स देखे, तो रिजल्ट्स में देखा उन्होंने कि एक, मतलब ये तो बिल्कुल अलग रिजल्ट आए, और फिर उन्होंने वहां से कंफर्मेशन की कि वो रिजल्ट किस चीज का है। तो रिजल्ट हम एक बार देखते हैं कि रिजल्ट क्या, देखे निकल को वापस लगाया उन्होंने बेक्ड करके बच्चों, तो जैसे ही लगाया एक्चुअली में हुआ क्या उसके अंदर, देखो आज हम बता सकते हैं, उस टाइम पे थोड़ा पता था, हुआ क्या कि निकल जो पॉलीक्रिस्टलाइन था, लेकिन जब बेक्ड किया तो यहाँ पे सिंगल क्रिस्टल समझते हो कि एटम्स आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर मैनर, तो यहाँ के जो एटम्स है ना वो रेगुलर मैनर्स में अरेंज्ड हो गए, उसकी वजह से क्या हुआ वो हम करेंगे अभी इसी के अंदर कि वो हुआ क्या। हाँ, यहाँ पे देखो अलग अलग एंगल्स पे, देखो यहाँ पे जो ग्राफ आएंगे ना, यहाँ ग्राफ जैसे एक्स वाई एक्सिस नहीं आएंगे बच्चों, यहाँ पे आएंगे पोलर ग्राफ, ये आपके हैं, देखो यहाँ पे जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना ये पोलर ग्राफ है, मैंने जो स्लाइड यूज़ किया है ये स्लाइड मुझे इसलिए यूज़ करना पड़ा क्योंकि बच्चों को जो नॉर्मल जो ग्राफ बच्चों ने अब तक किए ना, आप लोगों ने अब तक किए बच्चों सिंपल ग्राफ जो, जिसको हम बोलते हैं एक्स वाई, जैसे एक्स वाई है, यहाँ भी डिस्टेंस है, यहाँ भी डिस्टेंस है, ठीक है, तो आपने नॉर्मल ग्राफ आपको पता है, लेकिन जो डेविसन ज़र्मर एक्सपेरिमेंट के अंदर जो हम यूज करते हैं ना, ये आपके हैं आर थीटा। अब एक देखो, जैसे हमने यहाँ एक्स वाई लिख दिए तो आर थीटा वैसे नहीं लिखे जाएंगे कि एक्स एक्सिस पे थीटा है, वाई एक्सिस पे आपका आर है, नहीं, तो पोलर ग्राफ में कैसे, तो इसलिए मैं एक बार आपको पोलर ग्राफ दिखाते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि डेविसन ज़र्मर में कैसे पोलर ग्राफ का यूज किया। ये देखो, ये ग्राफ पेपर मैंने आपको दिखाया, जैसे नॉर्मल ग्राफ लैब में आप अलग, उसमें तो स्क्वायर्स होते हैं, अब यहाँ है सर्कल्स, तो हर सर्कल की अपनी रेडियस है, देखो हर सर्कल अलग रेडियस का है, क्लियर, तो एक तो यहाँ रेडियस होगी आर, ठीक है, एक आपका है थीटा, किस एंगल पे, देखो यहाँ पे इसलिए आर थीटा, अब आर थीटा कैसे, ये देखो यहाँ पर अगर इस डायरेक्शन की बात करें तो 0 डिग्री है, फिर ये 15 डिग्री है, 30 डिग्री, 45, 60, 70, 90, तो ये क्वाड्रेंट आपका हो गया 0 से लेकर 90 डिग्री तक, और ये बाकी सारी है रेडियस। अब इसमें जैसे हम डेविसन ज़र्मर में इस ग्राफ का यूज कैसे करते हैं वो हम एक बार यहाँ देखते हैं इस फिगर से। ये जो मैंने फिगर लिया है बच्चों, ये फिगर लिया है और ये फिगर, ये मैंने लिए सर्वे की एक बुक है मॉडर्न फिजिक्स, ये भी अच्छी बुक है, आप इसको भी रेफर कर सकते हैं, तो इसी बुक में फिगर है। देखो जो हमने बोर्ड पे अभी फिगर बनाया वो भी ऐसा ही है, बस हमने वहां वैक्यूम नहीं बनाया, तो यहाँ पे देखो साफ दिख रहा है जहां से इलेक्ट्रॉन आए यहां से आए, फिर हमने उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया इस एक्सेलरेटिंग वोल्टेज से, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एक एनर्जी होगी, उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक एसोसिएटेड लैम्डा भी होगी अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, तो जैसे इलेक्ट्रॉन निकल क्रिस्टल पे आएंगे उसके बाद रिफ्लेक्शन होगा। अब ये जो रिफ्लेक्शन है, यहाँ पे जो एंगल हमने लिया है थीटा ले, इसमें फाई दिखा रखा है, अब ये जो थीटा है, अब देखो ना थीटा को हम चेंज करेंगे, तो थीटा के चेंज करने से, यानी डायरेक्शन को हम चेंज कर रहे हैं ना डिटेक्टर की, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो चेंज होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम डिनोट करते हैं इंटेंसिटी से, ठीक है, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी। अब हम देखो इस ग्राफ के अंदर, आप यहाँ पे आ जाओ वापस, अब मान लो मेरा 0 डिग्री एंगल है, 0 डिग्री पे कितने 0 डिग्री, तो आप एक चीज देखो ना, 0 डिग्री कब होगा, 0 डिग्री तो आपका वापस, यानी इलेक्ट्रॉन सारे के सारे वापस चले जाएं बच्चों, तो हो सकता है इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो, तो 0 डिग्री पे 0 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। फिर आपने लिया 15 डिग्री, तो मान लो 15 डिग्री पे इतने इलेक्ट्रॉन्स है, देखो मेरा पॉइंट यहाँ पे आ गया। फिर आपने लिया 30 डिग्री, 30 डिग्री पे आपके इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स आए, देखो ना, क्योंकि रेडियस देखो ना बढ़ गई ना, अब इंटेंसिटी का स्केल लिया मैंने अलॉन्ग द रेडियस, तो अब आपकी रेडियस क्या होगी यहाँ पे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर। ऐसे ही फिर मैंने लिया 40 डिग्री पे, तो मेरे 40 डिग्री पे और बढ़ गए, देखो फिर मैंने लिया 60 डिग्री पे, मेरे 60 डिग्री पे इलेक्ट्रॉन्स और बढ़ गए ना, देखो इससे भी ज्यादा और बढ़ गए बच्चों। फिर मैंने लिया ऐसे ही 75 पे, मेरे इतने हो गए, तो अब अगर मैं इन सब पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो यहाँ पे एक पैटर्न आएगा ना, ये देखो ये आपका आया, देखो एक ग्राफ का सिंपल पैटर्न बच्चों, क्लियर। अब जैसे ही मैंने, अब आ जाओ डेविसन ज़र्मर एक्सपेरिमेंट में, हम चेंज क्या करते हैं, हम यहाँ करते हैं वोल्टेज, मान लो मैंने स्टार्टिंग में वोल्टेज लिया 30 वोल्ट, ये देखो ये एक्सेलरेटिंग वोल्टेज हम चेंज कर रहे हैं, 30 वोल्ट पे जो मेरा ग्राफ, जो पोलर ग्राफ था वो कैसा था, स्टार्टिंग यहाँ थी, फिर 15 डिग्री पे मान लो मेरा यहाँ आ रहा था,
फिर आपका 45 डिग्री पे यहाँ था, 60 पे मेरा यहाँ था, 75 पे मेरा यहाँ था, तो इनको मैंने मिलाया तो पैटर्न बना आपका ऐसे, क्लियर। लेकिन जब मैंने लिया इसको 50 वोल्ट, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को 50 वोल्ट लेके गए, तो जो है ना, अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो अलग अलग एंगल्स पे, 0 डिग्री यहाँ था मेरा, 15 डिग्री पे फिर मेरा यहाँ पे आया, 30 डिग्री पे मेरा, आप देखो ना यहाँ एकदम बढ़ गया बच्चों, 30 डिग्री पे ना, फिर मेरा 45 डिग्री पे थोड़ा सा यहाँ पे बीच में यहाँ आया, 45 पे फिर ऐसे आया, ऐसे 60 डिग्री पे आया, फिर ये 70 डिग्री पे आया। तो अब ये देखो यहाँ पे देखो स्लाइट जो पीक है, अब ये देखो ना, ये पीक एक पर्टिकुलर एंगल पे होगी यहाँ पे। अब जैसे ही हमने इसको 54 वोल्ट लिया, 54 वोल्ट, तो हमने देखा बच्चों कि देखो मेरा एक पॉइंट यहाँ पे आया, एक पॉइंट यहाँ पे आया, ठीक है, और फिर मेरा एक पॉइंट यहाँ आया, ये पॉइंट यहाँ, फिर यहाँ, और फिर यहाँ यहाँ, ये देखो यहाँ पे अब ये जो पीक है, ये देखो अब 54 वोल्ट अगर मैंने लिया तो ये पीक मेरी और ज्यादा होगी, नहीं। अब ये देखो उस फिगर में देखो, यहाँ पे जो फिगर दिखा रखा है ये मैंने बुक से एज इट इज लिया है, तो ये देखो 50 यानी 54 वोल्ट जब हमने लिया तो एक पीक आई मेरी, देखो पीक यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी आई ना एक पर्टिकुलर एंगल पे बच्चों, ठीक है। अब एक एंगल पे इंटेंसिटी आई, लेकिन ये एक ही केस में आई है जब आपकी वोल्टेज 54 वोल्ट ली तभी, अदरवाइज नहीं। जैसे ही वोल्टेज 60 ली हमने तो 60 पे पीक जो ना फिर कम हो जाएगी, 70 पे फिर कम हो जाएगी, और बढ़ाएंगे तो नॉर्मल पीक आ जाएगी जैसे आपकी स्टार्टिंग में थी। इसका मतलब है कि ये पीक कब दिखी, पीक हमें दिखी 54 वोल्ट पे। तो क्या बच्चों ये क्लियर है, तो सिंपल एक पीक दिखा रखी, इसलिए मैंने बोर्ड पे जो ना आपके पीक दिखाई है, ठीक है बच्चों। हाँ, तो 40 के लिए देखो, जैसे 40 के लिए, 40 वोल्ट के लिए किया गया, तो ये पोलर ग्राफ आपका क्या आया, आपका ये ऐसे आया, ठीक है। ऐसे ही अब हमने क्या किया, वोल्टेज चेंज किया, देखो थोड़ा सा 40 के बाद 50 किया, 50 पे और थोड़ा सा ऐसे आया, देखो थोड़ा ये ग्राफ चेंज हुआ आपका, 50 वोल्ट पे ऐसे आया, 54 वोल्ट पे, 54 वोल्ट यहां पे जो है, ये देखो यहां पे आपका पीक बना 54 वोल्ट के बाद, ऐसे 60 बना, फिर ये पीक कम हो गया आपका, ऐसे 60 पे, फिर ये देखो ये फिर कम हो गया 60 पे, फिर 70 पे, फिर ये नॉर्मल इसी की तरह आ गया। अब एक चीज देखो बच्चों, यहां पे क्या आया कि इंटेंसिटी, देखो इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी है वो किस एंगल पे, देखो ना किस वोल्टेज पे आई, 54 वोल्ट पे एक पीक आपका आया एक्सपेरिमेंटली, 54 वोल्ट पे। अब 54 वोल्ट पे पीक आया थ्योरेटिकली, लेकिन आपको पता है कि अब हम देखो इसके एक्सप्लेनेशन अब करेंगे, आपको पता अगर 54 वोल्ट यहां है तो उसकी लैम्डा क्या होगी, आप थ्योरेटिकली निकाल सकते हो, लेकिन एक बार हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं कि उसकी लैम्डा क्या होगी। एक्सपेरिमेंटली कैसे, देखो बच्चे एंगल भी मैं बताऊंगा, एंगल क्या होगा, इसके अंदर ये सॉलिड है, निकल सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो यहां पे होते हैं आपके ब्रैग्स प्लेन, ये प्लेन है, प्लेन प्लेन किसके हैं, जहां पे आपके एटम्स हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको एक बार यहां बनाता हूं कि आपके एटम्स हैं ऐसे, ये लेयर ऑफ एटम है, ये सिंगल क्रिस्टल है बच्चों, सिंगल क्रिस्टल का मतलब है ऑल एटम्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न, ये देखो भाई सेम 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 एटम ऐसे जाएंगे, तो हर जगह ऐसे ही है। अब जब आपका इलेक्ट्रॉन बीम आया, देखो बच्चों बीम, एक इलेक्ट्रॉन बीम आया ऐसे, बीम तो ऐसा थोड़ा एक ही लेयर आएगी, बीम तो और भी आएगा, नहीं बीम में तो देखो एक बीम आया ऐसे, तो यहां पे आपके क्या है, ये एटॉमिक प्लेन्स, ये आपके एटॉमिक प्लेन्स हैं, ठीक है, ये प्लेन है एटॉमिक प्लेन, सपोज डी इज द इंटरप्लेनर डिस्टेंस एंड दीज आर द ब्रैग्स प्लेन्स, इनको हमने नाम क्या रख दिया बच्चों, ब्रैग्स प्लेन, ये आपके ब्रैग्स प्लेन है और डी इज द इंटरप्लेनर डिस्टेंस ऑफ दिस क्रिस्टल, क्लियर। अब यहां से देखो, अगर इलेक्ट्रॉन का बीम हो सकता है ऊपर से भी रिफ्लेक्ट होके चला जाए, कुछ बीम नीचे से रिफ्लेक्ट होके चला जाए, हो सकता है ना, ये तो होगा ही ना, तो अगर ऊपर से रिफ्लेक्ट होके गया तो बच्चों यहां जाएगा वो, सपोज दिस एंगल इज थीटा, एंगल मेड बाय द इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द ब्रैग्स प्लेन, दैट इज द थीटा, ये वो एंगल है बच्चों यहां पे थीटा, कि एंगल मेड बाय द
इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द ब्रैग्स प्लेन, वो आपका थीटा है। अब होगा क्या, देखो हियर वी आर कंसीडरिंग द वेवलेंथ, आपको पता है ना कि देखो अगर वेवलेंथ हम मानेंगे, ये देखो तो वेवलेंथ है तो यहां से भी रिफ्लेक्शन होगा आपका, ये आपका रिफ्लेक्शन होके चला गया बच्चों। सो वी आर गेटिंग द टू वेव्स, टू इंसिडेंट वेव, टू इंसिडेंट वेव, टू रिफ्लेक्टेड वेव। अब मुझे बताओ तो अगर रिफ्लेक्टेड वेव होंगी तो यहाँ पे बच्चे देखो, अब इसी के अंदर आ जाओ, इस पॉइंट में देखो ये आपका डी है, ठीक है। नाउ ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन दिस वेव एंड ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन दिस वेव। अब एक चीज देखो बच्चों, ये परपेंडिकुलर इस पे, इस परपेंडिकुलर से पहले दोनों वेव सेम पाथ ट्रेवल करेंगी, इस परपेंडिकुलर के बाद भी दोनों वेव सेम पाथ ट्रेवल करेंगी यहां से, ठीक है, और यहां से भी। दे प्रॉब्लम कहां पे, प्रॉब्लम इनके बीच में ना, सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी, कैपिटल डी, ओके। अब एक चीज देखो, व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, देखो दीज टू आर द इंसिडेंट बीम, दीज टू आर द रिफ्लेक्टेड बीम्स, क्लियर, नंबर वन बीम, नंबर टू बीम। अब ये देखो नंबर वन तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो गया, बट फॉर टू बीम हैव टू ट्रेवल द एक्स्ट्रा पाथ डी टू बी, बी टू सी। देखो ना भाई, एक तो यहीं से रिफ्लेक्ट होके आ गया, तो नंबर सेकंड बीम है उसको एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल करना पड़ा ना, डी टू बी, बी टू सी, अगर ये एक्स्ट्रा पाथ है। सो दिस इज द पाथ डिफरेंस, अगर ये पाथ डिफरेंस है तो इसके इक्विवेलेंट हम फेज डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। तो एक्स्ट्रा पाथ जो ट्रेवल किया बच्चों, तो व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस अगर आपको पता चल जाएगा फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बता सकते हो कि कहां पे मैक्सिमा होगा कहां मिनिमा होगा, हम बता सकते हैं ना। तो निकालो भी व्हाट इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन वन एंड टू, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस बिटवीन नंबर वन बीम एंड नंबर टू बीम, बताओ भी कितना होगा, डी बी प्लस बी सी, पाथ डिफरेंस वुड बी डी बी प्लस बी सी, ठीक है। अब ये डी बी कितना है भाई, अगर ये थीटा है बच्चों तो ये एंगल भी थीटा होगा क्योंकि पैरेलल है, अगर ये थीटा है, ये 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये, दिस वुड बी यूअर थीटा। यहाँ पे मैं इस एंग, इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको, देखो ये ए पॉइंट है बच्चों, ये आपका डी पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, ये आपके प्लेन्स है, क्लियर। अब मुझे बताओ, देखो मैंने बताया ना डी एंगल, अगर थीटा एंगल ये है थीटा एंगल, तो ये भी एंगल थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 डिग्री एंगल है, तो यहां पे क्या हो गया आपका थीटा, ठीक है। अब जो ए बी है, ए बी क्या भाई, इंटरप्लेनर डिस्टेंस डी, ए बी इज डी, तो मुझे बताओ इसके अंदर लगाओ थीटा के सामने आपको निकालना डी बी, तो डी बी क्या हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर है डी साइन थीटा, अरे इस इन राइट एंगल ट्रेंगल, इन राइट एंगल ट्रेंगल ए बी डी क्या हो जाएगा अभी, साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा वुड बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डी बी बाय ए बी, और ए बी क्या आपका, ए बी वुड बी द डी, ए बी तो डी है, तो डी बी क्या हो गया बच्चों आपका, डी बी इज इक्वल टू डी साइन थीटा प्लस बी सी क्या होगा भाई, बी सी, बी सी भी सेम ही है, एक चीज देखो ना यहाँ पे भी थीटा यही है, डी यही है, तो इसके सामने क्या होगा डी साइन थीटा, सो बी सी वुड बी ऑल्सो बी डी साइन थीटा। अब बताओ मैक्सिमा कहाँ होगा, आपको पता है व्हाट इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव मैक्सिमम, पाथ डिफरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, तो यहाँ पे क्या होगा, नाउ द टू डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, दिस कंडीशन इज नोन एज द ब्रैग्स रिफ्लेक्शन, ये आपका क्या है भाई, ब्रैग्स रिफ्लेक्शन कंडीशन, ये कहीं आपने किया हो अब तक, अगर नहीं भी किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। अभी देख लो यहाँ पे मैं फिर बता रहा हूँ, ये प्लेन्स हैं, इलेक्ट्रॉन बीम आया, कुछ बीम ऊपर से रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा, कुछ नेक्स्ट प्लेन से रिफ्लेक्ट होगा, अभी हम दो ही कंसीडर करें, होगा तो आगे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, ओके। लेकिन अभी यहाँ देखो, तो अब दो बीम आपके हो गए रिफ्लेक्टेड बीम, तो इन दोनों में पाथ डिफरेंस क्या है वो आप निकाल सकते हैं ना, दिस इज द पाथ डिफरेंस बिकॉज नंबर टू बीम हैव टू ट्रेवल द एक्स्ट्रा पाथ फ्रॉम डी टू बी एंड बी टू सी, क्लियर। तो अब ये कैसे निकालना है आपको, थीटा एंगल ये है तो ये भी थीटा होगा, तो डी बी क्या होगा आपको, डी साइन थीटा, वेयर डी इज द इंटरप्लेनर डिस्टेंस, तो डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, टू डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। अब आ जाओ बच्चों निकल क्रिस्टल के लिए, देखो निकल क्रिस्टल के लिए डी की वैल्यू दी हुई है, हाँ निकल क्रिस्टल के लिए देखो बच्चों डी की जो वैल्यू है वो पता ही है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस निकल के लिए 0.091, ये अलग अलग मेथड से निकालते थे,
थीटा मैंने बताया ना कि ये देखो ब्रैग, ये ब्रैग्स प्लेन्स हैं, तो अब ये थीटा जो एंगल है, दिस इज द एंगल बिटवीन ब्रैग्स प्लेन्स एंड इंसिडेंट बीम। ये देखो ये थीटा आपका हो गया बच्चों, ठीक है, थीटा 65 है यहाँ पे, जो जिसके लिए मैक्सिमा आया। अब इस थीटा को सेट करके, तभी तो देखो इस पर्टिकुलर थीटा पे, एक थीटा पे रखा गया ना ये, इसी थीटा पे अलग अलग वी आए, सेम थीटा पे अलग अलग वी आए बच्चों। तो एन की वैल्यू फर्स्ट मैक्सिमा के लिए 1 है, तो लैम्डा जो होना चाहिए आपका 2d साइन ऑफ 65, d आपका क्या ये है, तो वैल्यू पुट की इसके अंदर, तो आपका वैल्यू आया 0.165 नैनोमीटर। ये वैल्यू आई एक्सपेरिमेंटली बाय अज्यूमिंग द कंसेप्ट ऑफ सॉलिड्स ब्रैग्स प्लेन, ठीक है, ये वैल्यू आई सेम वैल्यू। अब एक चीज देखो, अगर ये वेवलेंथ सच में मैटर वेव की है, तो मैटर वेव का तो आपको पता है ना, लास्ट आर्टिकल में हमने किया था ना कि व्हाट इज द वेवलेंथ व्हेन द चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड बाय द पोटेंशियल वी, तो आपका क्या याद है आपको कि लैम्डा वुड बी 12/27 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय अंडर रूट वी। यही था ना आपका कि वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव्स व्हेन दे आर एक्सेलरेटेड बाय द पोटेंशियल वी। तो यहां पे वी की वैल्यू पुट करो बच्चों, देखो ये थ्योरेटिकल है, ये अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली है, डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग ये आया, तो यहाँ पे वी की वैल्यू जो 54 वोल्ट पुट की गई, तो जो लैम्डा बच्चों आपका आया सेम 0.166 नैनोमीटर। ये देखो ये आपका आया थ्योरेटिकल और ये आपका आया एक्सपेरिमेंटल, और ये देखो दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं, मैच कर रहे हैं ना, इसका मतलब एक चीज देखो कि एक्सपेरिमेंट ने डी ब्रॉगली का जो कंफर्मेशन है, डी ब्रॉगली का जो मैटर वेव्स का जो प्रेडिक्शन था उसको कंफर्म कर दिया बच्चों एक्सपेरिमेंटली। और एक्सपेरिमेंट इतना आसान नहीं है, अब आप देखो फील करने की कोशिश करो कि कितना बड़ा, ऐसे यहाँ पे तो गन बनाना बड़ा आसान है ना, पिक्चर बनाना बोर्ड पे, तो लेकिन ये जनरेट करना बच्चों इतनी आसान नहीं होती चीज़ें। डिटेक्टर तो हमने यहाँ बनाया नहीं कि कैसा डिटेक्टर होगा, तो एक्सपेरिमेंट करना कितना टफ होता है, और क्यों वो करते हैं, ताकि वो कुछ नई चीज़, अब इससे निकला क्या, ये तो पता चल ही गया कि जो वेव यानी जो आपका जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसके साथ वेव एसोसिएटेड है, लेकिन इसका बच्चों अब यूटिलिटी क्या है। अब यूटिलिटी देखो, अब इलेक्ट्रॉन एक वेव है तो आपका इंटरफेरेंस भी होगा, डिफ्रेक्शन भी होगा, तो यानी अब हम इसको ऑप्टिक्स के अंदर यूज कर सकते हैं। अब ऑप्टिक्स बात आती है ना, तो वहां बात आती है माइक्रोस्कोप की। आपने देखे माइक्रोस्कोप, तो जो इसके कारण आपका एक माइक्रोस्कोप बन पाया बच्चे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, देखो उसकी फिगर, ये देखो आपके सामने ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये देखो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मतलब है कि हम इलेक्ट्रॉन को भी देख पाते हैं, नहीं बच्चों को ऐसा लगता है जी माइक्रोस्कोप यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। माइक्रोस्कोप का मतलब वही है कि एक चीज को बड़ी करके दिखाना, नहीं जैसे मटेरियल्स के अंदर हम देख पाए कि कितना कहां तक हम जा पाते हैं, वो आपके डिपेंड है अच्छे माइक्रोस्कोप पे, नहीं तो ये माइक्रोस्कोप में बस यहां फर्क क्या है कि यहां लाइट, विजिबल लाइट की बजाय इलेक्ट्रॉन के बीम का यूज होता है, बस ये फर्क है बच्चों। इलेक्ट्रॉन का वही डिफ्रेक्शन इंटरफेरेंस होता है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। अब आप कहोगे, क्योंकि एक चीज देखो ना, अच्छे माइक्रोस्कोप बनाने के लिए ना आपको हाई एनर्जेटिक वेव चाहिए। अगर हम एक्सरेज लेंगे ना, तो एक्सरेज को कंट्रोल करना इतना ईजी नहीं होता है, लेकिन जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको हम वोल्टेजेस से, मैग्नेटिक फील्ड से, इसके कन्वेक्स लेंसेस और कनकेव लेंसेस बना सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम आपकी जो आपकी मैग्नीफाइड जो इमेज है वो देख पाएंगे। क्लियर बच्चों? तो ये देखो आपका माइक्रोस्कोप है, आज तक ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही हम यूज कर रहे हैं बच्चों चीजों को अच्छे मैग्नीफाई करने के लिए। अब ये इसकी एप्लीकेशन थी, तो इससे आपको पता चलेगा कि देखो एक्सपेरिमेंट का पर्पज क्या था, हुआ क्या, और एप्लीकेशन क्या आई। क्या आप इस बात को फील कर सकते हो ना बच्चों? मैं फिर ब्रीफ करता हूं, देखो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड इन 1927। नहीं, किसके लिए? दे वर डूइंग सम काइंड ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, बट एक्सीडेंटली समथिंग हैपेंड एंड बिकॉज ऑफ दैट दे कंफर्म्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर वेव्स। वो कैसे किया कि यहां पे सेम, बिकॉज एट अ सर्टेन वैल्यूज वी आर गेटिंग द पीक, और उसी वैल्यूज पे ब्रैग्स कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमने लैम्डा निकाली, तो ये एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन आपकी थी और थ्योरेटिकल एज पर डी ब्रॉगली कंसेप्ट निकाली, और वो दोनों सेम मिली। इसका मतलब है एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल सेम मिल गए बच्चों, और ये कंफर्म हो गया कि देर आर वेव्स एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। क्लियर बच्चों? तो ये देखो कंफर्म होते ही 1927 में कंफर्म हुआ। नेक्स्ट ईयर
यानी अप्रॉक्सीमेटली, जैसे ही, क्योंकि पब्लिश होने में टाइम लगता है, 1929 में डी ब्रॉगली को नोबल प्राइज मिल गया था बच्चों। नोबल प्राइज तभी मिलता है जब आपकी इन्वेंशंस को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर लिया जाए। क्यों उसको मिलता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो बन पाया वो उन्हीं की हेल्प से बन पाया, क्योंकि थ्योरेटिकली चीज़ें चलती हैं पहले, थ्योरेटिकली भी चीज़ें चलती हैं, एक्सपेरिमेंटली भी चीज़ें चलती हैं, अल्टीमेटली इनका कम्बिनेशन चलता है फिर। क्लियर बच्चों? और उसी हम बस ये यही फील करना चाहते हैं कि एक्सपेरिमेंटली चीज़ें कैसे होती हैं, फिर थ्योरेटिकली हम क्या करते हैं और एप्लीकेशन हमारे पास क्या आती है। क्लियर है बच्चों ये चीज़? तो जैसे ये कन्फर्मेशन का आपका मैटर वेव्स की कन्फर्मेशन का एक्सपेरिमेंट था, ऐसे ही एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, ये यूएसए में हुआ था 1927 में। वो एक्सपेरिमेंट भी 1928 में जीपी थॉमसन ने किया था, लेकिन वो इंग्लैंड में इंडिपेंडेंटली, इनका कोई रिलेशन नहीं था। तो हम वो भी आपके सिलेबस में उसको भी हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते, देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या था। इसके अंदर रिफ्लेक्शन में ये किया गया था, वो थिन सीट के लिए किया गया, तो उसमें वो ट्रांसमिशन के केस में आएगा। तो अब हम करते हैं जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट। हाँ देखो, इस नेक्स्ट मेथड में बच्चों जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट में ये भी वही है जिसे मैंने बताया कि अभी की अनदर कन्फर्मेशन ऑफ मैटर वेव्स सेम है, थोड़ा सा बस फिजिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन है, यहाँ लो वोल्टेज हीटिंग गन ली उन्होंने, उसको हाई वोल्टेज से जो है एक्सेलरेट किया, तो एक्सेलरेशन के बाद आपका ये थिन गोल्ड फॉयल ली है। यहाँ पे थिकनेस क्या है उसकी, 10^-6 मीटर, ताकि अब वो रिफ्लेक्शन में स्टडी नहीं किया, ये ट्रांसमिशन में स्टडी किया है। तो जब यहाँ ट्रांसमिशन होगा तो जो ब्रैग्स प्लेन्स है, देखो प्लेन तो यहाँ भी है बच्चों, तो जो प्लेन का एंगल है ना, अब ये जो एंगल है वो हर डायरेक्शन में बनेगा, जैसे आपने न्यूटन रिंग में किया था ना, तो ये जो एंगल हर डायरेक्शन में बनेगा, इस एंगल की वजह से यहाँ पे अब जो ट्रांसमिशन के बाद जो जाएंगे, तो जो मैक्सिमा कहाँ होगा, जहाँ फेज डिफरेंस मैच होगा, तो जो फेज डिफरेंस मैच होगा वो उस पूरे एंगल पे मैच होगा बच्चों, दैट्स वाई वी आर गेटिंग सर्कल्स। तो यहाँ पे आपके सर्कल्स दिखते हैं, यहाँ सर्कल्स हैं, ये सर्कल्स हैं, इन सर्कल्स का डायमीटर निकाला गया, तो डायमीटर जिस वेवलेंथ के लिए निकला और यहाँ से डी ब्रॉगली वेवलेंथ से जो फॉर्मूला निकाला गया वो दोनों सेम मिली बच्चों। तभी यहाँ पे भी पता चला कि जो वेव्स हैं वो आपकी मैटर वेव्स हैं। तो यहाँ पे बस क्या आते हैं, सर्कल्स आते हैं, ये रिंग्स आते हैं जिसको हम बोलते हैं डायफ्रेक्शन रिंग्स। क्लियर? ये आपके क्या हैं, डिफ्रेक्शन रिंग्स। ठीक है? और यहाँ पे जो यूज़ होता है ना, जैसे वहाँ ब्रैग्स लॉ हम यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे वो टेक्निक जो यूज हो रहा है डिबाई सेक्रेरियर मेथड ऑफ एक्सआरडी, ये यूज़ हुआ है इसमें। लेकिन मेन है आप मोटा मोटा चीज़ें वही रखो, मतलब मेन तो चीज़ें वही हैं बच्चों, वही एक इलेक्ट्रॉन गन है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ट्रांसमिशन के लिए एक आपका मटेरियल ले लिया, और डिफ्रेक्शन प्लेट है जो आपके डिटेक्टर्स हैं। ये पूरा सिस्टम जो है आपने वैक्यूम में कर दिया, तो ये एक और कन्फर्मेशन आई आपकी कि देर आर ए मैटर वेव्स। यानी अब आपके पास, अब तक देखो बच्चों, अब स्टोरी जो है यहाँ पे थोड़ा सा और टर्न लेगी। अब तक जो स्टोरी में हमने किया है इसको समझने की कोशिश करो बच्चों, हमने पहले लाइट के बारे में स्टडी किया कि इन सम एक्सपेरिमेंट लाइक इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड देन कॉम्प्टन इफेक्ट, लाइट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल। कुछ एक्सपेरिमेंट में हमने किया था डिफ्रेक्शन के, सिंगल स्लिट था, डबल स्लिट था, ग्रेटिंग है, कि लाइट बिहेव्स लाइक अ वेव। तो डी ब्रॉगली ने बता दिया कि लाइट हैव बोथ नेचर्स। क्लियर? अगर लाइट बोथ नेचर्स है तो मैटर के भी बोथ नेचर्स, उन्होंने बताया कि मैटर हैव बोथ नेचर्स, तो मैटर के साथ भी बताया वेवलेंथ, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है उसको कंफर्म कर दिया है कि आपका मैटर वेव्स की कंफर्मेशन भी एक्सपेरिमेंटल हो चुकी है, डेविशन जर्मर की और जीपी थॉमसन की। अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है, सोचना एक बात को, जब हम वेव की बात करते हैं बच्चों, वेव समझते हो ना, वेव जैसे साउंड वेव है, साउंड वेव जैसे मैं बोल रहा हूँ, आवाज़ आप तक पहुँच पा रही है लेकिन कैमरे तक जा पा रही है यहाँ, तो कैसे जाती है वो जाती है आपका प्रेशर, व्हाट इज वेरिंग, प्रेशर ऑफ द एयर इज वेरिंग, इसको हम बोलते हैं ना प्रेशर, प्रेशर चेंज हो रहा है यहाँ पे पार्टिकल्स का प्रेशर, जिसकी वजह से वो आगे पीछे हो पा रहे हैं। क्लियर? जब आप करो वाटर वेव्स, आपने देखा पॉन्ड के अंदर जो वाटर वेव्स में कैसे वेरिएशन होता है, कि जो वाटर की जो हाइट है, जैसे आपने स्टोन को थ्रो किया वाटर में तो वहाँ रिपल्स बनते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है, जो वाटर की जो एक्चुअल हाइट है वो वेरी करती है। समझ में आई बच्चों? जैसे आप करो ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग, तो उसमें भी आपको पता है ट्रांसवर्स वेव में क्या वेरी होता है, वो रस्सी ऊपर नीचे जाती है। अब हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की,
कोई भी आपकी लाइट वेव, एक्सरेज है, विजिबल रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन है, उसके अंदर क्या वेरी करता है, कौन सा वेक्टर वेरी करता है मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, बोथ आर वेरिंग। अब जब बात ये आई कि मैटर वेव्स, इलेक्ट्रॉन तो चला ऐसे कि व्हाट इज वेरिंग, क्या वो इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे जाता है या कुछ और उसका जाता है बच्चों, तो इन केस ऑफ मैटर वेव्स व्हाट इज वेरिंग, ये क्वेश्चन दिमाग में रखो। अब इसी क्वेश्चन के साथ यहां से हमारे देखो, जितनी बार हम नए एक्सप्लेनेशन करेंगे ना बच्चों, नए क्वेश्चंस भी आएंगे, ताकि वो क्वेश्चंस और नई एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व किए जाए। तो हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में कि व्हाट इज वेरिंग इन केस ऑफ मैटर वेव्स। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? तो मैटर वेव्स को लेके ही हम अब आगे चलेंगे, मैटर वेव्स को लेके आगे चलेंगे, उसके साथ कुछ और भी प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते अल्टीमेटली हम अपनी स्क्रोडिंजर इक्वेशन की तरफ चलेंगे बच्चों, क्लियर? तो आगे फोकस करके देखो, स्टोरी को फील करने की कोशिश करो, जो स्टोरी हम बताना चाह रहे हैं आपको, ठीक है बच्चों? बाकी न्यूमेरिकल्स भी कर लेना है इसके। बुक मैं बार बार वही बुक कहता हूं बच्चों, जो बुक जो है आप जीमांस की, जो अब तक मैं मोस्टली जो रेफर करता हूं जीमांस की, या कुछ और कहीं से मटेरियल लेता हूं, तो मैं आपको नोट्स की फॉर्म में या फोटो की फॉर्म में मैं आपको शेयर कर दूंगा बच्चों, ठीक है बच्चों? चलो ओके बाय।